गौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पिछले 19 दिनों से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल कर रहे पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय विधायक मेवाराम जाटव को ज्ञापन दिया। इस पर विधायक मेवाराम जाटव ने पटवारियों की मांगों का समर्थन किया और कहा, राजस्व विभाग में काम का सबसे बड़ा दायित्व पटवारी ही निभाते हैं। ये लोग राजस्व विभाग की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने कहा, पटवारियों को आश्वासन देते हुए बोले, आप लोगों की इस आवाज को मैं याचिका के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चाहे क्षेत्र में कोई आपदा हवा में हो तो सबसे पहले पटवारी को निर्देश किया जाता है कि आप तुरंत जाइए और हल्के में जाके मौके की रिपोर्ट लीजिए। तो हमारा पटवारी चाहे रात हो चाहे दिन हो, तत्काल उसी समय क्षेत्र में और ग्रामीण में जाता है। तो उसकी पीड़ा सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि आज महंगाई इतनी है कि अभी पटवारी साहब बोल रहे थे कि आज पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो गई है। हमारे पटवारियों को पटवारी में हल्का में रहने के भी निर्देश हैं, दिन निश्चित कर दिए हैं। उसके बाद भी कई बार तहसील पे आना पड़ता है, जिले में जाना पड़ता है। तो पटवारियों का इस हिसाब से मानदेय वेतन भत्ता बहुत कम है। हम समर्थन करते हैं कि पटवारियों का जो मांगे हैं उसको सरकार पूरी करे, क्योंकि सरकार इतनी निरंकुश हो गई है। मैंने पढ़ा था कि अभी पटवारी भोपाल गए थे तो उनको लाठियों दे देकर खदेड़ दिया गया था। मैं इसकी सरकार को घोर निंदा करता हूं, क्योंकि हमारे पटवारी इतनी सारी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं। तो मैं अपनी तरफ से पटवारी संघ को आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी जो मांगे हैं उसको अपने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय जी को अपने लेटर पैड पे दूंगा। और जो अभी तो विधानसभा नहीं है, क्योंकि विधानसभा का अब चुनाव आने वाले हैं, नहीं तो मैं विधानसभा में आपकी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण के माध्यम से, विधानसभा के क्वेश्चन के माध्यम से विधानसभा में उठाता। अब वो समय नहीं है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि विधायक को अधिकार रहता है कि अपनी क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको याचिका के माध्यम से विधानसभा में लगा सकते हैं। तो अभी मैं भोपाल जाऊंगा तो आपकी मांगों को विधानसभा में याचिका के माध्यम से लगा दूंगा। ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ। यदि विधानसभा चलती तो विधानसभा क्वेश्चन भी उठाता। और ये भी आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 में, तो आपकी जितनी मांग है वो हम माननीय कमलनाथ जी से वचन पत्र में वैसे तो उन्होंने शामिल कर दिया है, आपकी मांगे पूरी करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।